सो गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उस जो कि व्हाट्सएप के बारे में, व्हाट्सएप पे क्या होने वाला है, क्या होगा यार, कैसे व्हाट्सएप बंद हो जाएगा हमारे जियो फोन में एंड एंड्रॉयड फोन में। सो गाइस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टिप्स और एंड मैं आपको ये बहुत ही अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो गाइस देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम ऊपर जाएंगे। है सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू टेक्निकल एंड प्रसाद यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जियो फोन के लेटेस्ट टिप्स, जो कि आपको ले आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको जियो फोन के बारे में बताऊंगा वो भी फुल स्क्रीन में, और जो वीडियो मैं आपको बताऊंगा वो न्यू अपडेट होगा। और सबसे पहले बता दूं कि मैं जियो फोन से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और जियो फोन के, और वहां पे मैं आपको वो न्यू टिप्स बताता हूं। सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेष टॉपिक पे, जहां दोस्तों व्हाट्सएप जो कि हमारे और आपके फोन में इजीली चलता है। जैसे कि आप जियो फोन यूजर हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, और अगर आप एंड्रॉयड फोन यूजर हैं तो आप इस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को में। सो गाइज क्या सच में व्हाट्सएप बंद हो रहा है, क्या सच में बंद हो जाएगा, और कैसे बंद हो रहा है, क्यों बंद हो रहा है, मैं आपको ये पूरी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश प्रसाद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड प्रसाद में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस चलिए हम सिंपली स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि व्हाट्सएप जो कि बंद होने वाला है, जैसे बहुत सारे जो कि आर्टिकल वेब लिख रहे हैं, जैसे आज तक, एबीपी न्यूज़ एंड जागरण जोश, बहुत सारे जो कि आर्टिकल लिख रहे हैं। सो गाइज हमारे यहाँ पे टॉप वीडियो आपको आई बटन के ऊपर लाइन पे आई बटन पे मिल रहा होगा, वहाँ पे जाइए और टॉप वीडियो यहाँ से देखिए। सो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे फेक है व्हाट्सएप का फेक हेल्प सेंटर, सो गाइज उसमें आपको डायरेक्टली मतलब वहाँ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि आपका व्हाट्सएप जो कि बंद हो जाएगा 1 फरवरी से। जहाँ दोस्तों 1 फरवरी यानी अगले मंथ आपको वो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ और मैं आपको प्रूफ भी यहाँ पे दिखाता हूँ। सो गाइज हम चलते हैं यहाँ से एंड्रॉयड फोन पे और मैं एंड्रॉयड फोन पे आपको दिखाता हूँ। और गाइज जियो फोन वालों के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा और वहाँ से वो जाकर सिंपली और देख सकते हैं उस वेबसाइट को और उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या क्या इसमें होने वाला है। सो हेलो गाइज, तो हम आ गए हैं सिंपली एंड्रॉयड फोन के फ्रंट पेज पे, और जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर की ओर देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे m.jagran.com यहाँ पे टेक्नोलॉजी देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आया है अपडेट्स, पहले मैं आपको बताता हूँ 1 जनवरी 2020 3:40 PM पर। सो गाइज यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 फरवरी 2020 से जियो फोन समेत इन एंड्रॉयड फोनों स्मार्टफोनों में व्हाट्सअप नहीं काएगा काम। सो गाइज मैंने एक ये पेज भी नहीं बनाया है, ये है जागरण का। सो गाइज आप देख रहे होंगे ये फेक नहीं है, एकदम ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज़, लाइव इंडिया, हिंदुस्तान वगैरह वगैरह बहुत सारे पे ये दे रखे हैं। सो गाइज मैंने इस जागरण को यहाँ पे देखा। सो गाइज इसमें कुछ और भी बातें जो कि स्पेशल लिखी हुई है। सो गाइज यहाँ से देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 1 फरवरी 2020 से जियो फोन समेत इन एंड्रॉयड स्मार्टफोनों में व्हाट्सअप नहीं करेगा काम। सो गाइज यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 फरवरी 2020 से इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को इन एंड्रॉयड फ़ोनों में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा कुछ iOS पर आधारित डिवाइसेज पर भी ये मैसेज ऐप काम नहीं करेगा। सो गाइज उसके नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे नई दिल्ली टेक डेस्क ने यहाँ से इस मतलब यहाँ से हुआ है, कल यानी 31 दिसंबर 2019 से इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने विंडोज़ स्मार्टफोनों में काम करना बंद कर दिया। जहाँ दोस्तों बहुत सारे जो कि यहाँ पे ट्रेंडिंग में आ चुके हैं कि 31 दिसंबर को बहुत सारे जो कि मैसेजिंग ऐप अगल बगल के थे, एक दो के, वो भी बंद हो चुके हैं स्मार्टफोनों में काम करना, ये बंद कर चुका है। सो गाइज बहुत लोग भी पूछते हैं यार कैसे बंद हो गया है, कैसे नहीं हो गया सब दोस्तों, यहाँ से देखिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये मैसेज दिया जाए और ये वीडियो भी आपको बनाया जाए। सो गाइज यहाँ पे देखिए, अगले महीने की 1 तारीख से इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को कई एंड्रॉयड स्मार्टफोनों में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे इसको, मैसेजिंग ऐप को। सो गाइज इसके अलावा कुछ iOS पर आधारित डिवाइसेज पर भी ये मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेगा। दोस्तों मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको बिलीव हो हमारी बातों पर, बिलीव हो ना या हो फ्रेंड्स आप आर्टिकल पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर सकेंगे। सो गाइज यहाँ पे देखिए, पहले इस बात की जानकारी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने अपने फेक पेज के जरिए दी है, यहाँ से देख रहे होंगे आप। सो गाइज यहाँ से मैं तो पेज के मुताबिक 1 फरवरी
जहां दोस्तों 1 फरवरी 2020 से इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को कई एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। जी हां दोस्तों, आपने फाइनली सुन लिया यहां पे कि 1 फरवरी 2020 से किसी भी मोबाइल में, ये एंड्रॉयड फ़ोन हो या जियो फ़ोन हो या iOS हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप नहीं काम करेगा। सो गाइज, यहां पे देखिए फेक पेज के मुताबिक, व्हाट्सएप के जो फेक पेज होता है वहां उसके मुताबिक एंड्रॉयड वर्जन 2.3.6 जिंजर ब्रेड और iOS 8 या उससे नीचे के ऑपरेटर सिस्टम वाले स्मार्टफोन पर अब ये इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसिंग सपोर्ट नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे में व्हाट्सएप जियो फ़ोन हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो, जो कि 2.5 का वर्जन था, उसमें आपका जो कि स्मार्टफोन मतलब व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। अगर आपका 3.0 जियो फ़ोन में आ जाता है तभी आपका व्हाट्सएप जो कि इसमें काम करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इन ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन पर यूजर ने तो ऐप को इंस्टॉल कर सकेंगे और ना ही नया अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे। दोस्तों आप ना इंस्टॉल कर सकेंगे आप व्हाट्सएप को और ना ही नया क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप भी एक ऑपरेटर सिस्टम के साथ आने वाले स्मार्टफोन पर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको नए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वर्जन 4.03 या एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं यहाँ पे 4.03 या उससे ऊपर के वर्जन पे अपग्रेड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको उस पर ऊपर का चाहिए वर्जन, तभी आपके फ़ोन में जो कि व्हाट्सअप इस्तेमाल हो पाएगा। यार ये सब क्या हो रहा है। सो आगे देखते हैं दोस्तों, फिर अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले नए स्मार्टफोन में इंस्टेंटिंग मैसेज सर्विसिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस नीचे आते हैं यहाँ पे देखिए, फिर वहीं अगर आप जियो फोन या जियो फोन 2 यूजर्स हैं, ध्यान से अब सुनिएगा जियो फोन वालों। सो गाइस यहाँ पे लिखा है, वहीं अगर आप जियो फोन या जियो फोन 2 यूजर्स हैं तो आप अपने KAIOS के लेटेस्ट वर्जन 2.5.1 जो कि हमारे में है अभी, तो दोस्तों इसमें क्या बता रहा है ये देखिए, 2.5.1 के साथ अपने फ़ोन को अपग्रेड कर लें। जी हाँ दोस्तों, अपग्रेड इसे कर लें और इससे नीचे के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ऐप काम नहीं करेगा। आपको बता दें कि पिछले साल व्हाट्सएप के अकाउंट हैक होने की घटना सामने आई थी। जी हाँ दोस्तों, ये जो अकाउंट व्हाट्सएप का हैक हो गया था, इसी के कारण इसे भी लेटेस्ट वर्जन का करा जा रहा है और इसमें कुछ सिक्योरिटी सिस्टम भी आएंगे जिसके कारण हमारा कोई भी व्हाट्सएप हैक नहीं कर पाएगा, उसके बारे में जल्दी जान नहीं पाएगा। मतलब बहुत सारे इसमें जो कि लेटेस्ट फीचर्स आने वाले हैं, इसलिए ये अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल व्हाट्सएप के अकाउंट हैक होने की घटना सामने आई थी। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए ये फैसला लिया। जी हाँ दोस्तों, वही बात आ गई, इन पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अब सिक्योरिटी पैच जारी नहीं किए जा रहे हैं जिसकी वजह से अकाउंट हैक होने का खतरा हो सकता है। यही वजह है कि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अब ये इंस्टेंटिंग मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने ध्यान से सुन लिया, देख भी लिया, आपको बिलीव हो जाएगा। तो दोस्तों ये कैसे होगा, अगर देखिए इससे रिलेटेड जो कि कुछ भी आता है अपडेट्स, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाऊंगा और आपको मैं बताकर भी मैं आपको बता दूं कि अगर ये बंद हो जाता है तो कुछ इसके जो कि ग्लू आएंगे सामने, मैं आपको दूंगा बताऊंगा और आपको मैं नए नए फीचर्स इसके बारे में भी बताऊंगा क्या क्या आ रहे हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बिलीव हुआ हुआ तो वीडियो को लाइक कर। सो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले टेक वीडियो में। टेक केयर, बाय, गुड बाय।